यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे हैं? ओ तेरे के ऑलमोस्ट सारे। बहुत बढ़िया जी, आप लोगों को बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज का ये सेशन डेडिकेटेड है स्टूडेंट्स को। और सिर्फ इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स की लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के माइंड में, या इसको इस तरह से कहूं, स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड जो सबसे बड़ा डिसीजन है, वो डिसीजन जिसके ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करने वाली है, आपका पूरा फ्यूचर उस एक डिसीजन पर डिपेंड करने वाला है कि उसमें आप क्या चॉइस लोगे। गलत चॉइस ले ली, फंस गए जिंदगी भर के लिए, फंस गए एक दिन दो दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। सही चॉइस ले ली, जिंदगी बदल गई। कोई बताएगा मैं किस डिसीजन की बात कर रहा हूं? सबसे बड़ा डिसीजन एक स्टूडेंट के लिए क्या है? करियर। एग्जैक्टली, कि क्या करूं और क्या नहीं। हम कुछ करना शुरू तो कर देते हैं, उसके बाद में वो कंफ्यूजन खत्म नहीं होता है। करने के बाद में मन करता है चलो छोड़ो ना, कुछ और कर लेता हूं, फिर कोई और आइडिया आ जाता है, फिर कोई और कॉन्सेप्ट आ जाता है। ऐसा ही होता है सबके साथ में? यस और नो? तो आज इस प्रॉब्लम की हम डेप्थ में जाने वाले हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे मेरे ऑलमोस्ट हर सेशन में कोई ना कोई जरूर पूछता है, कोई ना कोई स्टूडेंट। और आई एम 100% श्योर यहाँ पर भी आप में से बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होगी कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं कुछ और करूँ। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट्स चाहते हैं कि आप करो इंजीनियरिंग। यहाँ पर आई एम श्योर बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होंगे, पुणे हैं, तो आपके पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग करो आईटी में आईआईटी से, उससे कम नहीं चलेगा। दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स वांट। और हो सकता है आप चाहते हो फैशन डिजाइनिंग करना निफ्ट से या कहीं से भी। होते हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स, और ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन को फिट कर सकते हो, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है करियर से रिलेटेड, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि मैं चाहती हूँ कि ये जो लड़का है जिसके साथ में मैं पिछले 3 साल से हूँ उससे शादी करूँ, लेकिन मेरे घर वाले चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज हूँ हमारी अपनी कास्ट में। तो अब इन दोनों सिचुएशंस में से मैं क्या चूज करूँ? एक तरफ है जो आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, जो आप अचीव करना चाहते हो, और दूसरी तरफ है जो ये दुनिया आपसे करवाना चाहती है, जिसमें आपकी फैमिली आ गई, फ्रेंड्स आ गए, रिलेटिव्स आ गए, हमारी पूरी की पूरी ये सोसाइटी आ गई जो चाहती है कि आप इस सोसाइटी के नॉर्म्स के अंदर रह करके काम करो। वो करो जो सब कर रहे हैं, वो नहीं जो आप करना चाहते हैं। और इस डर की वजह से हम वो नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर सकते हैं, जो हम करना चाहते हैं। तो इसकी आज हम डेप्थ में जाने वाले हैं कि ऐसी सिचुएशन में करना क्या है। ये जो 2 ऑप्शन है हमारे पास में, लेकिन ये समझने से पहले कि हमको इसमें क्या करना है ऐसी एक सिचुएशन में, ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में, पहले हमको ये समझना होगा कि ज़्यादातर लोग करते क्या हैं। ज़्यादातर लोग जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, यानी कि एक तरफ से पूरी दुनिया का प्रेशर है कुछ करने के लिए, एक तरफ से जो अंदर से आ रहा है, ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। और अगर इसको प्रैक्टिकली वेरीफाई करना हो तो किसी भी ऑफिस में चले जाओ, वहाँ जाकर के लोगों से पूछो कि जो आप जॉब कर रहे हो इसमें से कितने लोग हैं जो खुश हैं अपनी जॉब से, या जो भी वो कर रहे हैं, या किसी कॉलेज में चले जाओ और जाकर के उनसे पूछो कि जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस करियर को आपने चूज किया है, कितने हैं जो उससे खुश हैं, जिनके अंदर रोज एक एक्साइटमेंट होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो इसलिए नहीं कि दुनिया मुझे पढ़वाना चाहती है, बल्कि इसलिए पढ़ रहा हूं बिकॉज मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके लिए पढ़ना जरूरी है, कुछ ऐसा है जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है। तो अब इसकी वजह क्या है? जब इस प्रॉब्लम की मैं डेप्थ में गया, इसको बारीकी से ऑब्जर्व किया, तो 3 मेजर रीजंस निकल करके आए, और अब आप इससे ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन ये है कि ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है, पता मतलब क्लियरली पता नहीं है कि उनको जिंदगी में करना क्या है। ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये विजन ही क्लियर नहीं है कि मुझे करना क्या है। जैसे मैंने अपने कुछ सेमिनार्स में बोला है, लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में भी बोला था कि अपने अंदर की आवाज सुनो, तो लोग क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर तो कोई आवाज ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं अंदर की आवाज होती क्या है।
मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है। जब समझ आएगा कि मुझे क्या करना है तभी तो अपनी एनर्जी लगाऊंगा उस डायरेक्शन में। तो अब एक आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये जो आपके अंदर का कंफ्यूजन है, ये जो कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, ये कंफ्यूजन आपके लिए कौन दूर करेगा? कौन दूर करेगा? आप खुद ही करोगे, कोई और तो करेगा नहीं, तो क्यों नहीं कर रहे? अब जो मैं बोलने वाला हूं ना उसको बड़े ध्यान से सुनना, बिकॉज ये बिल्कुल अलग है उन बातों से जो आज तक हम सुनते आए हैं। कंफ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कैसे समझ आएगा, उसके लिए करना क्या है, एक मिनट में आपको बता देता हूं। आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपको इंटरनेट पे जाना है, गूगल पे जाकर के सर्च करना है, ऑप्शंस देखने हैं कि अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से निकले हो तो इंडिया में क्या क्या ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको देखना है कि मैं कौन सा करियर चूज करूं। आपको साफ नजर आ जाएगा कि ये 200 करियर ऑप्शंस हैं, और इधर साइंस बैकग्राउंड से 200 करियर ऑप्शंस हैं। उसमें से 200 में से आपको सिलेक्ट करना है, मे बी आपको 20 ढंग के लगेंगे, 20 आपको ऐसे लगेंगे जो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे होंगे। फिर उस 20 में से आपको ये देखना है कि इसमें से कौन सा है जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेट हो रहा है, जो मेरी स्ट्रेंथ से रिलेट हो रहा है, मेरे बेसिक नेचर से रिलेट हो रहा है। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर होता है, मेरा नेचर अलग है, आपका नेचर अलग है, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी अलग है। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको उन 20 में से 200 में से पहले हमने 20 शॉर्टलिस्ट करे, फिर उस 20 में से एक एक करके पेपर पेन ले करके आराम से बैठ करके देखना होगा कि इसमें से कौन से वो ऑप्शंस हैं जो प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन है आपको अच्छा तो बहुत लग रहा है, उसकी फीस है 50 लाख रुपए, आपके पास में है नहीं देने के लिए, तो क्या करोगे? तो अब आपने प्रैक्टिकली उन 200 में से 4 ऑप्शंस निकाल लिए। इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगेगा, एनर्जी भी लगेगी, एफर्ट भी लगेगा, लेकिन ये किया जा सकता है अगर हम करना चाहें तो। और फाइनली हमारे आगे 4 ऑप्शंस आएंगे। अब उन 4 में से एक या 2 ऑप्शंस निकालना कोई बहुत मुश्किल है? मुश्किल है, आसान है? आसान है, बोलने में बहुत आसान है, लेकिन लोग करते क्यों नहीं है? कितने लोगों ने किया है? ऑनेस्टली बताना, झूठ मत बोलना कि मतलब कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक बैठ करके सोचा है, दिमाग लगाया है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। कितने लोगों ने किया है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत कम लोगों ने, बहुत कम लोगों ने। वजह क्या है? जबकि ये डिसीजन मुझे नहीं मैटर करता कि आप ये करते हो या नहीं करते, आपकी पूरी लाइफ इस डिसीजन पर डिपेंड करने वाली है। यानी कि अगर हमको एक हॉलिडे पे जाना है अपने दोस्तों के साथ में, तो बड़ी प्लानिंग होती है, एक हफ्ता पहले से प्लानिंग चल रही है, एक महीना पहले से प्लानिंग चल रही है, लाइफ में हमें कहां जाना है। कितने लोग बैठ करके ये प्लान करते हैं? कितने लोग बैठ करके अपना एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, अपनी पूरी एनर्जी इस चीज को समझने में लगाते हैं कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, मुझे कहां जाना है, क्या बनना है, और उसको बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? और यही वजह है कि 90% से ज्यादा लोग इस दुनिया में ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। फिर चाहे वो मेरे सेमिनार्स देखें या ना देखें, कड़वा सच है लेकिन सच है। आप मेरे सेमिनार्स देखते रहो बैठ करके, लेकिन ये जो काम करना है ये तो आपको ही करना है ना। मतलब आप एक साल तक बैठ करके मेरे सेमिनार्स तो देखते रहो, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आए तब कुछ ना करो। क्या होगा? एंटरटेनमेंट, मजा आएगा सेशन देखने में, बड़ा मजा आता है, किक मिलती है। उसके बाद में लोग हमारे पास में मेल्स आएंगे, सर ये क्या चक्कर है, जब मैं आपके सेमिनार देखता हूं तो बड़ा चार्ज अप हो जाता हूं, उसके 2 दिन बाद में बाकी सब नॉर्मल हो जाता है, बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो आज का इस सेशन में हम इसी की गहराई में जाने वाले हैं कि हम एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। व्हाई डोंट वी टेक द राइट एक्शन? इफ यू कांट टेक द राइट एक्शन, हाउ कैन योर लाइफ गो इन द राइट डायरेक्शन? देयर इज नो डायरेक्शन। एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? बड़ा सिंपल है, यह करने में एफर्ट लगता है, यह करने में दर्द होता है भाई। फिजिकल एफर्ट में जितना दर्द होता है उससे 10 गुना ज्यादा दर्द होता है मेंटल एफर्ट में। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम है, आप अपने दिमाग के सारे घोड़े खोल दो, पूरा दिमाग लगाओ, 1 महीने तक लगे रहो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए,
चाहे वो प्रॉब्लम आपके करियर से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड है, और एक महीना हो जाए, सर फटने लग जाए, लेकिन कोई सोल्यूशन ना निकले, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है ना, ऐसी तो नहीं निकलेगा सोल्यूशन, बैठ करके उसको इग्नोर करने से तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा, फेस करना पड़ेगा, जिसके लिए करेज चाहिए। और आप बैठे रहो सोचते रहो और सोल्यूशन ना निकले तो क्या होगा, दर्द होगा, इसी को मेंटल पेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेंटल पेन, जिसको लोग अवॉइड करना चाहते हैं। ये है वो पहला रीजन, मेंटली हमको बहुत एफर्ट डालना होगा ये जानने के लिए कि भैया मुझे करना क्या है, अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए, माइंड को बिल्कुल क्लियर करने के लिए, माइंड को एक डायरेक्शन देने के लिए, अपनी लाइफ में एक ऐसा गोल सेट करने के लिए जिस गोल को अचीव करने के लिए आप किसी भी हद तक जाने को तैयार हो, कुछ भी करने को तैयार हो। क्या करना होगा इस गोल को सेट करने के लिए, पहले जानना होगा कि मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यहां तक पहुंचने के लिए मेंटली दर्द सहने का करेज होना चाहिए हमारे अंदर। जिसके अंदर करेज है वो इस दर्द को सहलेगा, वो लाइफ में आगे निकल जाएगा। पॉसिबिलिटी है, जिसमें करेज नहीं है वो जिंदगी को काटेगा, काटता रहेगा। ये है वो पहला रीजन। अब दूसरा, ये और भी इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग। आपने मेरा ये सेशन देखा और आपने कहा यार बात तो सही है, लग जाओ काम पे, लगाओ दिमाग और सॉल्यूशन निकालो इस प्रॉब्लम का कि मुझे क्या करना है। आपने निकाल भी लिया सॉल्यूशन, 200 करियर ऑप्शंस देखे, उसमें से दिमाग लगाया, लोगों से बात करी, एफर्ट किया, बहुत कुछ किया, और फाइनली आपको समझ आ गया कि मुझे ये काम करना है और ये काम करना मेरे लिए सही है। अब आप गए अपने घर पे जा करके अपनी फैमिली से डिस्कशन किया और आपकी फैमिली ने क्या कहा कि हमारे हिसाब से ये सही नहीं है, तुम्हें करना है करो, लेकिन हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे ये काम करने के। हाँ, अगर तुम वो करो जो सब कर रहे हैं और जो हम तुमसे करवाना चाहते हैं तो पूरा सपोर्ट है, बोलो क्या करना है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, क्या करोगे, लड़ोगे अपने पेरेंट्स से, क्या करोगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो चुका है, इस प्रॉब्लम को समझो। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं कि आपको ऐसे इंसान से लड़ना है जिसको आप नहीं जानते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई खास करेज नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको अपने पेरेंट्स से लड़ना है तो उनसे जिनसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो तो क्या चाहिए, अरे बहुत करेज चाहिए, बहुत ज्यादा करेज चाहिए। स्पेशली इंडिया में जहां पर हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब एक्सपर्ट हैं इमोशनल अत्याचार में, एक्सपर्ट हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जो दूसरी साइड का राजा है वो आपको पहले ही हरा देगा, यानी कि आपके पापा वो भेजेंगे अपने सेनापति को, यानी कि आपकी मम्मी आकर के ड्रामा करेगी। आपने एक डिसीजन ले लिया, आपने स्टैंड ले लिया है कि मुझे ये करना है और हर हाल में करना है और मैं इससे पीछे नहीं हटने वाला, इतनी देर में आपकी मम्मी आएगी साइड से रोते हुए, अरे बेटा तुझे पता तो है पापा की तबीयत कितनी खराब है, एक तो इंडिया में हर बाप की तबीयत खराब है, सबको बीपी है, सबको शुगर है, सबको हार्ट की प्रॉब्लम है, सबको कॉन्स्टिपेशन है, सबको 36 प्रॉब्लम्स है। उधर से मम्मी आएगी, बेटे कल रात को पापा ने खाना भी नहीं खाया है, देख लेना, तुझे पता है ना वो जिद्दी है, वो तो नहीं मानने वाले, अरे तू ही मान जाना, कर ले उस गधे से शादी, कर ले, क्यों अड़ी हुई है। अब क्या होगा, क्या होगा इस लड़ाई में, हार गए, मम्मी जीत गई, पापा जीत गए। अब यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लेना, मैं लड़ाई मतलब कोई फिजिकल लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, घर पे जा करके बाल पकड़ लो अपने पापा मम्मी के, भाई मुझे पिटवाओगे, ये नहीं कर रहा हूं, मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं अपने पापा मम्मी की, मैं बात क्या कर रहा हूं, पीसफुल लड़ाई, जैसे गांधी जी ने करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कि आप मुझे नहीं सपोर्ट करते वो करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन मैं भी आपको नहीं सपोर्ट करूंगा मुझसे वो करवाने के लिए जो आप मुझसे करवाना चाहते हो, नहीं कर रहा सपोर्ट। क्या करेंगे, मारेंगे पीटेंगे, हालो मार, अरे खुद सोचो
कैलकुलेट करो, ये 5 मिनट की मार है एक तरफ, मान लो एक्सट्रीम केस में मारा भी, आपको हंटरों से मारा, जूतों से मारा, चप्पलों से मारा, मान लो मारा, बहुत मारा, एक तरफ है 5 मिनट की मार, एक तरफ है जिंदगी भर मरवाते रहोगे, समझो? अरे दम लाओ अपने अंदर से। जिस इंसान में यह करेज नहीं है कि मैं अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन खुद ले सकूं, वो जिंदगी में क्या करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा औरों की जो अपनी खुद की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा। 2 सबसे बड़े डिसीजन आपकी लाइफ के, एक करियर का डिसीजन, एक रिलेशनशिप का डिसीजन, यही आपने खुद नहीं लिए, अरे तो किया क्या है, क्या किया जिंदगी में? ये 2 डिसीजन खुद लेने हैं, बाकी के सारे डिसीजन बोल दो अपने घर पे कि ये 2 डिसीजन मैं खुद लूंगा या खुद लूंगी अपनी मर्जी से, बाकी डिसीजन आप लेते रहो कि मेरे ऊपर ब्लू कलर की शर्ट अच्छी नहीं लगती, रेड कलर की अच्छी लगती, ठीक है पहना दो लाल रंग की शर्ट, पहना दो, सांड पीछे पड़ जाएगा कोई नहीं भाग लूंगी, पहना दो, वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बड़ा डिसीजन है, वो कोई और नहीं ले सकता मेरे लिए। ये जिंदगी की डोर, मेरी जिंदगी की डोर, मेरी, मैं किसी और के हाथ में नहीं दे सकता। लेकिन ये करने के लिए क्या चाहिए? अरे बहुत करेज चाहिए, अंदर से होना चाहिए कि मेरी लाइफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का बहुत पावर चाहिए। अब है तीसरा रीजन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपने बड़ा दिमाग लगाया, ये डिसाइड भी कर लिया कि मुझे क्या करना है, अपने घर वालों के अगेंस्ट में पीसफुली प्रोटेस्ट भी कर लिया और डिसीजन भी ले लिया, वो डिसीजन पे टिके भी रहे, स्टैंड ले लिया कि मुझे ये करना है। उसके बाद में उस काम में आप सक्सेसफुल होने वाले हो या फेल होने वाले हो 4 साल बाद, आपने करियर चूज किया, इसकी कोई गारंटी है कि आप सक्सेसफुल हो गई होगे अगर आपने ये किया तो? कोई गारंटी नहीं, यस नो, नो, कोई गारंटी नहीं। तो अब अगर ये सब करके, इतना पंगा ले करके मानो आप फेल हो गए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था इंजीनियरिंग का और फैशन डिजाइनिंग का, मानो आपने स्टैंड ले लिया, आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं, बेटा कोटा जाओ तैयारी के लिए, IIT में एडमिशन लेना ही लेना है तुमको, और आप कह रहे हो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मेरा एक क्रिएटिव माइंडसेट है, मैं इस तरह का नहीं हूँ, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, मेरा इंटरेस्ट उसमें है। तो आपके घर वालों ने मना किया, आप अड़े रहे, एंड में आपके घर वाले मान गए, मैंने कहा चल ठीक है जा, जो करना है कर लें। आप करने लग गए, पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया, तीसरे साल में फेल हो गए। आप सोच के गए थे आपके साथ में कुछ अच्छा होगा, बुरा हो गया। दोबारा आपने ट्राई किया अगले साल, दोबारा फेल हो गए, मतलब कि जो आप करना चाहते थे उसमें आप बुरी तरह से फेल हो गए। अब क्या होगा? इस फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए क्या चाहिए भाई? करेज। क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसको समझ लो बारीकी से, इस दुनिया में 99% से ज्यादा लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो लाइफ में सिचुएशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे डाल रहे हैं, किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। क्यों? क्योंकि वो करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ब्लेम उठा करके डाल दो सामने वाले पे। अगर इस सेशन से एक चीज लेकर के जानी है अपने घर, तो वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, कभी भी किसी को भी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए ब्लेम नहीं करना, किसी हाल में नहीं करना। मैं इसलिए सब बातें यहां पर कर रहा हूं, इतना स्ट्रांगली इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पर जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो बैठे हैं वो सब स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों की आदत बन चुकी है ब्लेम करने की, उनकी आदत 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होने वाली, बट आप लोगों के आगे अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है भाई, अभी जैसी आदत बना लोगे वैसी बनती चली जाएगी, ब्लेम करने की आदत बना ली वैसे ही बन जाओगे,
और किसी को ब्लेम नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, आगे बढ़ते जाओगे। और कुछ हो ना हो लाइफ में, आप सक्सेसफुल हो या ना हो, एक चीज़ की गारंटी है कि अगर आपने जिंदगी में कभी किसी को ब्लेम नहीं किया अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो आप अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओ। अंदर से ग्रो कर जाओगे। एक है बाहर की ग्रोथ जो है दुनिया की नज़र में, जरूरी नहीं है जो आदमी बाहर से ग्रो कर गया यानी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गया, उसको नाम मिल गया, फेम मिल गया, पैसा मिल गया, जरूरी नहीं है वो अंदर से सक्सेसफुल है, जरूरी नहीं अंदर से वो खुश है, जरूरी नहीं है वो अंदर से भी ग्रो कर रहा है, लेकिन जो अंदर से ग्रो कर गया ना वो जी रहा है, तो बाहर उसके पास में कम जी रहा है। अब अगर इसके हम और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर कितने पेरेंट्स हैं अभी जो पेरेंट्स बैठे हैं, मुझे लग रहा है बैठे भी होंगे तो अपने हाथ ऊपर नहीं करें, नाराज हो गए मुझसे। हो सकता है कुछ पेरेंट्स को यह लग रहा होगा कि यहां पर मैं स्टूडेंट्स के फेवर की बात कर रहा हूं, लेकिन अगर उसकी थोड़ी सी आप गहराई में जाओगे, थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि इसमें सबसे बड़ा फायदा एक स्टूडेंट का नहीं है, पेरेंट्स का है। एज अ पेरेंट हम क्या चाहते हैं, मैं भी एक पेरेंट हूं, आई हैव गॉट टू किड्स, एक 7 साल का है, एक 2.5 साल की है, मैं भी एक पेरेंट हूं। क्या चाहते हैं हम एज अ पेरेंट, क्या चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है या जो हमारे बच्चे हैं वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाए? कोई ऐसा पेरेंट है जो ये नहीं चाहता? एनीबडी? कोई नहीं, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए लाइफ में, मतलब कि अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये नहीं कि हमको पकड़ पकड़ करके चलता रहे, सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनका माइंड शार्प होता चला जाए, वो कुछ भी कर सके, वो कर सके जो हम भी नहीं कर पाए अपनी लाइफ में। लेकिन हम करते क्या हैं, जब भी हमने फोर्स किया अपने बच्चों को कुछ भी करने के लिए, अब ये जो मैसेज है ये पेरेंट्स के लिए है, अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मुझे ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कहीं पर पूरी दुनिया के सामने कि आई एम प्राउड ऑफ माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। इसलिए नहीं कि मेरे पेरेंट्स ने मुझको बहुत कुछ दिया, अरे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से क्या देंगे, क्या देंगे, तो इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया या मेरे लिए बहुत कुछ किया, क्या किया सब करते हैं, उसमें क्या नई बात है, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं, बाकी ये पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उसमें क्या नई बात है। तो मैं उनको इसलिए नहीं इतना प्यार करता हूं, इतनी रिस्पेक्ट करता हूं कि उन्होंने मुझे कुछ दिया है या मेरे लिए कुछ किया है, बल्कि इसलिए करता हूं क्योंकि जिंदगी में कभी भी उन्होंने मुझे कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया, नेवर फोर्स नहीं किया। और मेरे हिसाब से पेरेंटिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी है, इससे बड़ी कोई क्वालिटी हो नहीं सकती कि आप अपने बच्चों को फोर्स ना करो, उनको सलाह दो अगर उनको जरूरत है तो, उनको सही और गलत के बीच का फर्क बताओ, उनको बताओ कि देखो जी जो तुम करने का सोच रहे हो मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इन सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कहना कि नहीं तुझे वो नहीं करना तुझे ये करना है, ये प्रॉब्लम है। अपने पैरों पर खड़े होने का मौका ही ना देना, उठा करके उनको बैसाखियां दे देना कि लाइफ में कभी भी कुछ भी करना है, हाँ पापा हाँ मम्मी क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, अभी जो मैंने आपको रिलेशनशिप्स का एग्जाम्पल दिया कि अगर आप एक लड़की हो, आप किसी को प्यार करते हो, उसके लिए मना कर दिया आपके घर वालों ने शादी करने के लिए, और ज़बरदस्ती आपकी कहीं पर और शादी करा दी, आपने अपने पेरेंट्स से बस इतना पूछा कि आप गारंटी लेते हो कि ये जो लड़का है वो सही निकलने वाला है, लिख के दो, तो उसके पापा ने लिख करके उसको गारंटी दे दी और उस लड़की की शादी हो, पेरेंट्स खुश, जो चाहते थे वो हो गया, एक दिन निकले, दो दिन निकले, तीन दिन, चार दिन, क्या लगता है टेम्पररी बेसिस पे तो बड़ा अच्छा लग रहा है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग रन में पेरेंट्स के लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है। अब हमको ये देखना है क्यों बुरा है, क्योंकि उस लड़की के हाथ में पावर आ गई, वो जब चाहे जो चाहे कर सकती है, क्योंकि उसके पास में राइटिंग में एक गारंटी का वो लिखा हुआ है, गारंटी सर्टिफिकेट है, भाई ये लड़का जो आया है वो गारंटी से आया, घर वालों ने गारंटी ली है, तभी तो उसने शादी करी, नहीं तो क्यों करती। और ये मैं आइडिया भी दे रहा हूँ आप लोगों को कि हाँ सिंपल आइडिया है,
जिनके पेरेंट्स ज्यादा फोर्स करें उनको बोलो राइटिंग में दो, स्टैम्प पेपर में लिख के दो, साइन करो, बाद में बहुत काम आएगा आपके, मैं बताता हूँ कैसे। अब उस लड़की के हाथ में देखो कितनी पावर है और पेरेंट्स जो है वो कितने हेल्पलेस है। उस लड़की को फोन घुमाना है अपने घर में, 4 दिन हो गए शादी को, फोन घुमाया, छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। अरे प्रॉब्लम आनी ही आनी है, कोई ऐसा है यहाँ पे जिसकी शादी हुई और आज तक कोई प्रॉब्लम ना आई हो? कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई हो और आज तक हजारों प्रॉब्लम ना आई हो? एक भी नहीं है। यानी कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तब ये लड़की क्या करेगी, इसके पास में गारंटी कार्ड है, प्रोडक्ट खराब हो जाए तो क्या करोगे, सीधा फोन घुमाओ कंपनी में। चार दिन बाद उसने घर पे फोन घुमा दिया, हेलो मम्मी, हाँ बेटा क्या हुआ, जरा पापा को फोन देना। इसलिए गारंटी पापा ने दिया, पापा से ही बात करनी। हाँ पापा, क्या हो बेटा, सब ठीक तो है ना? अरे क्या खाक ठीक है, ये कैसा लड़का चुना है आपने मेरे लिए? क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है, सब ठीक तो है ना? अरे क्या ठीक है, मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो बताने में भी शर्म आ रही है। क्या हुआ बेटा? पापा कल रात को, कल रात को क्या हुआ, कल रात को क्या हुआ, कल रात को उसने कुछ गलत तो नहीं किया? अरे गलत क्या, सारी हदें पार कर दी। क्या क्या बोल रही है, मुझे पता बेटा, मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, मेरा प्रोडक्ट है, मैंने गारंटी ली है, मैं देखूंगा, तू टेंशन मत ले। क्या हुआ बेटा, क्या बात हुई? पापा कल रात को मैं जब अपने कमरे में गई, वो नाइटी पहन करके जो मम्मी ने मुझे दिलाई थी, तो उसने पता है क्या कहा? क्या कहा बेटा? उसने कहा कि तुम इसमें डाल लेगी, थोड़ी सी मोटी लग रही हो। आज तक आपने और मम्मी ने मुझे कभी मोटी नहीं बोला, ये कौन होता है मुझे मोटी बोलने वाला, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं इसको कोर्ट तक लेकर के जाऊंगी। अच्छा खासा मैं आपको कह रही थी, एक बार नहीं मैंने आपको 10 बार कहा कि करा दो मेरी शादी, करा दो मेरी शादी संदीप महेश्वरी से। लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बेटा संदीप महेश्वरी तो पहले से शादीशुदा है ना, उसके तो दो बच्चे भी हैं। अरे तो क्या एक ही संदीप महेश्वरी है क्या इस दुनिया में? और पापा मम्मी बेचारे टेंशन में। हाँ बेटा मैं कल शाम को आता हूँ फ्लाइट पकड़ करके। कल शाम को नहीं, आपको कल सुबह यहाँ पर आना है और इससे बात करनी है कि आज के बाद अगर मेरे साथ में ऐसी बदतमीजी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहो। क्या करेंगे माँ बाप? तो हुआ क्या, पहले बच्चों की डोर माँ बाप के हाथ में थी, अब इन माँ बाप की डोर उस बच्चे के हाथ में है, क्योंकि ये बच्चा बड़ा हो ही नहीं पाया। अपने दम पर डिसाइड किया होता कि मुझे ये करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती। और मैं ये सब बातें सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, एज अ पेरेंट मैं अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन सारी बातों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब पहले मैं कर रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेरा बेटा है 7 साल का। अभी कुछ दिन पहले हम एक मूवी देख रहे थे, तो आजकल आपने देखा होगा सिनेमा हॉल्स में एक एंटी स्मोकिंग कैंपेन बहुत चल रहा है, तो मेरे बेटे ने वो ऐड देखी जिसमें एंड में बताते हैं कि सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है। और बड़ा सीरियस होकर के मुझसे बोला, पापा जब ये सिगरेट पीना इतनी गद्दी चीज़ है तो लोग क्यों पीते हैं, क्यों पीते हैं? और मेरा सीधा सा फंडा है लाइफ में, सच बोलो, कोई घुमा फिरा के बात मत कर। मैं उसको कहा क्योंकि लोगों को मज़ा आता है पीने में। उसने पूछा पापा आप क्यों नहीं पीते, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने कहा भाई पहले पीता था अब छोड़ दी, तो वो कन्फ्यूज हो गया, कन्फ्यूज हो गया क्योंकि मैंने उसको बोला नहीं कुछ करने के लिए, मैंने उसको सच बोल दिया। तो थोड़ा सोच में पड़ गया और मुझे बोला पापा इसका मतलब मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना कभी सिगरेट, बड़े सीरियसली उसने मुझसे पूछा। तो मेरा एक बार को तो मन किया एज अ फादर कि उसको लेक्चर दे दूँ कि तुझे सिगरेट इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं पीनी चाहिए, इसलिए नहीं, क्योंकि तेरा बाप कहता है। मन ये कर रहा था एज अ पेरेंट, एज अ केयरिंग पेरेंट, एज अ लविंग पेरेंट, लेकिन वो मेरे बच्चे के लिए सही नहीं होता। मैंने क्या किया, उसको सिर्फ 2 वर्ड्स बोले, उसके बाद में चुप हो गया, सिर्फ 2 वर्ड्स। जैसे उसने बोला ना कि पापा मुझे तो नहीं पीनी चाहिए ना सिगरेट, मैंने कहा तेरी मर्जी, तेरी मर्जी।
और उसके बाद मैंने ऐसे शो किया जैसे मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा, मैं स्क्रीन की तरफ देखने लगा और हंसने लगा, पॉपकॉर्न खा रहा। उसके 2-3 सेकंड बाद मैंने उसको देखा, उसका ध्यान स्क्रीन से हट गया था, उसका मुंह नीचे था और कुछ सोच रहा था, वो कुछ सोच रहा था, 7 साल का बच्चा कुछ सोच रहा था। और जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई अंदर से कि मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि एज अ पेरेंट मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि ये जो मेरा बेटा है या मेरी बेटी है वो अपने बारे में, अपने सही और गलत के बारे में खुद सोचने लग जाए। जब तक उनको मेरी जरूरत ना हो तब तक वो मुझे बीच में ना लाए, मेरी जरूरत पड़े तो आकर के मुझसे पूछे, मुझसे बात करें, लेकिन मेरी जरूरत नहीं है, खुद सोचे, खुद करें जो उनको करना है। तो ये था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेरेंट्स। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे पता करें कि हमारी रियल इनर कॉलिंग क्या है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को मैं टच करने वाला हूं, तो अपने ध्यान को बढ़ा लो जिससे कि पूरे ध्यान से आप समझ सको कि मैं क्या बोल रहा हूं। जिसको हम अपने दिल की आवाज बोलते हैं, 99% केसेस में वो हमारे दिल की आवाज नहीं होती है, हमारे अंदर की आवाज नहीं होती है, वो हमारे मन की आवाज होती है। मन की आवाज, मन जो है ना हमारा, वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे के जैसा है। आप में से किसी के घर में कोई छोटे बच्चे हैं, जैसे 2 साल के 3 साल के हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से रिलेट कर पाओगे। मुझे अपने घर में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग काम लगता है ना, मतलब जो करने में मुझे बहुत मजा आता है, घंटों तक कर सकता, वो है कि अपनी उस 2.5 साल की बेटी को बैठ करके दूर से ऑब्जर्व करता रहूं, देखता रहूं कि वो क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ वहां पर ऑब्जर्व करी है कि उसको आजकल एक नया शौक चढ़ गया है कि उसके पास में एक बार्बी डॉल है और एक डॉक्टर सेट है, उसके साथ में वो खेलती रहती है अकेले, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम शुरू होती है जब मेरा बेटा स्कूल से आता है। वो आता है और अभी कुछ दिन पहले की बात है, वो अपने एक रोबोट से खेलने लगे, उसको मैंने एक रोबोट दिलाया था छोटा सा, उसके साथ में खेल रहा हूं। और जब तक वो खेल रहा था बिना खुश हुए तब तक मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसको ध्यान से समझना, बिकॉज आई एम गोइंग इन द डेप्थ्स ऑफ माइंड कि हमारे माइंड कैसे काम करता है। आपकी लाइफ काम करती है आपके माइंड से, और अगर आपको माइंड समझ आ गया तो आपको लाइफ समझ आ गई। आपको लाइफ को समझने की जरूरत नहीं है, माइंड को समझ लो, अंदर की दुनिया को समझ लो, बाहर की सारी दुनिया समझ आ जाएगी। बारीकी से देखना जो चीज मैं बोल रहा हूं, पेशेंटली आराम से समझना। तो जब तक मेरा बेटा किसी टॉय के साथ खेल रहा है और वो दुखी है, वो खुश नहीं है उस टॉय से, तो मेरी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही वो बेटा एक्साइटेड होने लग जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, मतलब हंस रहा है, उछल रहा है, कूद रहा है, ये सारे काम कर रहा है, तो मेरी बेटी का ध्यान अपने टॉय से हट जाता है, उसके रोबोट की तरफ चला जाता है। वो धीरे धीरे गई मेरे बेटे के पास में और जाकर के रोबोट को टच करने की कोशिश करी, उसने उसका हाथ हटा दिया, उसने उसको टच नहीं करने दिया। उसके बाद उसने पूरा घर सर पे उठा लिया, मेरे 2.5 साल की बेटी ने, रो रो करके कि मुझे वो रोबोट चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, और तब तक रोती रही जब तक उसको मिल नहीं गया। हम सबको अपने हथियार डालने वाले, उसको उठा करके वो रोबोट दे दिया। अब अपने रोबोट को ऐसे पकड़ा कस के और बड़े स्टाइल से हम सबको देख रहे कि मैं जीत गई और तुम सारे बेवकूफ हो, तुम सब हार गए। और मेरा बेटा, उसको वही समझाना पड़ता है जो मुझे बचपन में समझाया जाता था, बेटा तू बड़ा है, समझदार है, वो छोटी है, ऐसे ऐसे करके इमोशनल उसको अत्याचार करके थोड़ा सा, फिर उससे वो उसका रोबोट लिया, उसको दिया बेटी को, और वो उस रोबोट से चिपक गई, छोड़ नहीं रही उसको, किसी हालत में नहीं छोड़ रही। मेरा बेटा उसको हाथ भी लगा रहा तो रो रही, ऐसे कर रही, ऐसे कर रही, उसको हाथ नहीं लगाने दे रही अपने रोबोट। वो रोबोट जो कुछ देर पहले तक उसका नहीं था, अब वो उसका हो गया। मैंने उस पूरे खेल को देखा, मेरे को समझ आ गया क्या है खेल। मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा एक काम करो, चेस लेकर के आ। तो मैं उसके साथ चेस खेलने लगा और बीच बीच में मैंने कहा चल यार हाई फाइव ऐसे। तो मैंने अपने बेटे के साथ, जिसका नाम हृदय है, उसको हाई फाइव दिया। मैंने कहा यार मजा आ गया, ये
थोड़ा नौटंकी, उधर वो जो बेटी थी जो अपने रोबोट के साथ बैठी थी उसका ध्यान गया हमारी तरफ, ये इतने खुश क्यों लग रहे हैं ये दोनों। उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि शायद ये चेस की वजह से खुश है। समझ लेना अच्छे तरीके से, ये हमारा मन है और वो आ गई चेस पे आकर के कब्जा करने के लिए, आकर के हमारी पूरी गेम खराब कर दी, उठा उठा करके वो जो होता है हाथी घोड़ा ये वो राजा रानी सब उठा करके भागने लग गए, मतलब ले गए। तो मुझे पता था ये होने वाला है, मैंने हल्का सा साइड में आकर के अपने बेटे को स्माइल पास करी, मैंने कहा जा अपना रोबोट ले ले। बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, हमारे मन को भी कुछ चाहिए। क्या अच्छा लगता है मन को? वो जिसमें कोई दूसरा इंसान बहुत खुश है। तो हम ये कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि वो इस वजह से खुश है क्योंकि उसके पास में ये है। चाहे वजह कुछ और ही हो, चाहे वजह कुछ और हो। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं? कितने लोग अपनी जॉब से बहुत खुश हैं? कोई बात नहीं, इट्स अ प्रूवन फैक्ट वर्ल्ड वाइड, 90% से ज्यादा जो लोग जॉब करते हैं वो अपनी जॉब से खुश नहीं होते, फिर भी करते हैं क्योंकि मजबूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आपका मन है। अपने मन की वजह से आप अपनी जॉब से दुखी हो रहे हो। मन में चेंजेस करें, उसी जॉब में हो सकता है आपको मजा भी आने लग जाए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जो लोग जॉब करते हैं क्या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है? किसने हाथ ऊपर किया था, कहना एक बार हाथ ऊपर करना जॉब वाले। हाँ ठीक है, तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई वीडियो देखी इंटरनेट पे, कोई बुक पढ़ी, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, या इंटरनेट पे किसी एंटरप्रेन्योर के बारे में पढ़ा और एकदम से मन हुआ कि मैं कल ही जाकर के रिजाइन कर दूं? सो ये क्या है? हमारा मन है। जो स्टूडेंट्स हैं यहां पर उनसे भी एक और क्वेश्चन है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने मेरी कोई वीडियो देखी, मेरे बारे में पढ़ा या किसी और के बारे में पढ़ा और आपने देखा अरे संदीप महेश्वरी तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे वो भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, अरे उसने भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी, इसका मतलब क्या है? कि पढ़ाई छोड़ दो और सक्सेस मिल जाएगी। अरे वो बिजनेस कर रहा है, वो बहुत खुश है, तो इसका मतलब वो बिजनेस की वजह से खुश होगा। तो इसका मतलब क्या है? जॉब छोड़ दो, बिजनेस कर लो और मुझे खुशी मिल जाएगी। बच्चों जैसी सोच है ये, हमारा मन है जो एक खिलौने को पकड़ता है दूसरे को छोड़ता है। और मजे की बात पता है क्या है, ज्यादातर लोग जो जॉब छोड़ देते हैं ना जोश जोश में और बिजनेस करने लग जाते हैं, कुछ दिन बाद वो जॉब के बारे में सोचने लग जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको क्या डिमोटिवेट कर रहा हूं? अरे नहीं, मैं आपको रियलिटी से रूबरू कर रहा हूं, जिससे कि आप जो भी डिसीजन लो वो करेक्ट डिसीजन हो, सही डिसीजन हो, सोच करके समझ करके लिया हुआ डिसीजन हो। क्योंकि मेरा मकसद है रियलिटी के बेस पे बात करना, आपको मोटिवेट नहीं करना, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको क्लियर करना। एक स्टूडेंट है, उसका मन किया कुछ करने का, इतनी देर में कोई दूसरा स्टूडेंट आ गया, उसने आकर कुछ बोल दिया, किसी दोस्त ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर किसी ने बोल दिया, वो करने का मन करने लग गया, फिर वहां से मन हट गया। ऐसा ही होता है। तो मन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको दिल की आवाज तक पहुंचना है तो क्या करना है? बड़ा सिंपल है। आपका मन कर रहा है जॉब छोड़ने का, आपका मन कर रहा है पढ़ाई छोड़ने का, आपका मन कर रहा है कोई काम करने का, कल मत छोड़ो, कल पढ़ाई मत छोड़ो, कल जॉब मत छोड़ो, 7 दिन के लिए रुक जाओ, वेट फॉर 7 डेज। अब क्या होगा, क्या होगा? अगर ये आवाज आपके मन की होगी, यानी किसी और को देख करके आप जॉब छोड़ने की सोच रहे होगे, तो धीरे धीरे आपका ये डिजायर कम हो जाएगा, धीरे धीरे ये छोड़ने का डिजायर आपका कम हो जाएगा और जो डर है वो बढ़ जाएगा। एक हफ्ते बाद जब दिमाग बीच में आएगा ना और आकर के आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बताएगा, तो जो मन है वो एक सेकंड में हार मान लेगा।
लेकिन अगर, अब यहां पर मन और दिल की आवाज के बीच का फर्क है, लेकिन अगर आपके अंदर एक डिजायर उठा और एक हफ्ते बाद आपका जो डिजायर था उस काम को करने का एक हफ्ता पहले, उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ गया और डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो आप समझ जाना कि वो आपके दिल की आवाज है। यानी कि आपके दिल की आवाज ने आपके दिमाग को हरा दिया। देखो फर्क को समझो, ये मन और दिल के फर्क को समझो। मन क्या है? टेम्पररी बेसिस पे आपने किसी को कुछ करते हुए देखा, आपका बेसिक नेचर कुछ और है, आपकी स्ट्रेंथ कुछ और है, आपके इंटरेस्ट कुछ और है, आप अंदर से कुछ और हो लेकिन बनना कुछ और चाह रहे हो। यहां प्रॉब्लम है, आप में कुछ है जो छुपा हुआ है, कुछ हिडन है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको कोई नहीं देख सकता, ना आप ना मैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिजायर हो, कोई ऐसी इंट्यूशन हो जो वक्त के साथ में बढ़ती ही चली जा रही है और उसकी वजह से डर कम होता चला जा रहा है, तो समझ लेना कि आपके अंदर का जो इनर पोटेंशियल है वो बाहर आना चाह रहा है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहा है। कुछ है जो आप बन सकते हो, वो कह रहा है कि कर दे। इंट्यूशन कह रही है कर दे। लेकिन क्या सिर्फ इतने से काम हो जाएगा? नहीं। आपको ये क्लियर हो गया कि ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे मन की आवाज नहीं है, तो क्या मैं करने लग जाऊं वो चीज? नहीं। दो सवाल पूछना। एक, कि अब उसको करने का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? यानी एक करियर है जो आपको समझ आ गया, तो अब आपने क्या किया? अपने आप से एक सवाल पूछा कि इसका जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसके लिए जो सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, जो टाइम लगेगा, जो एफर्ट लगेगा, जो दिमाग लगेगा, जो पैसा लगेगा, जो भी कुछ लगेगा अपने पोटेंशियल को अचीव करने में, उसके लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। और अगर वो सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ, फिजिकल लेवल पे मुझे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, मेंटल लेवल पे ये सब करना होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ, हर चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ, मतलब कि आंसर आया यस, आई एम रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स टू मेक इट अ रियलिटी। इस बेस्ट केस सिनेरियो को सच करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, नंबर एक। अगला क्वेश्चन, मतलब कि आखिरी क्वेश्चन जो अपने आप से पूछना है, तो बहुत कम लोग पूछते हैं कि इसको करने का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। क्लियर है? मैंने अगर जॉब छोड़ी या पढ़ाई को बीच में छोड़ा तो बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या उसके लिए भी मैं तैयार हूं? और अगर जवाब आ जाए हां मैं तैयार हूं, तो समझ जाओ अब कोई टेंशन नहीं है, बढ़ जाओ आगे। यानी ये आवाज आपके दिल की है, आपके बेसिक नेचर से लिंक हो रही है, आपकी स्ट्रेंथ से लिंक हो रही है, आपके पैशन से लिंक हो रही है, आपका इंटरेस्ट भी है इस काम को करने में, और ये आपको सही भी लगता है, इस काम को करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस आपको देने पड़ेंगे उसके लिए भी आप तैयार हो। और इतना ही नहीं कि अगर इस काम को करने के चक्कर में आप बुरी तरह से फेल भी हो गए और इस पूरी दुनिया में आपका मजाक उड़ा, उसके लिए भी आप तैयार हो। यानी कि आपको एक बात समझ आ गई है कि वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, कि मैं इस काम में फेल हो गया। अरे तो भैया एक काम में ही तो फेल हुआ हूं, जिंदगी में थोड़ी फेल हुआ हूं, लाइफ में नहीं फेल हुआ, तो सीखा है ना, अंदर से ग्रो किया ना, मेरे अंदर ये करेज आया ना कि फेल होने के बाद भी वो भयानक सपना यानी कि वर्स्ट केस सिनेरियो वो सच होने के बाद भी अगर आपके अंदर से आवाज आई क्या फर्क पड़ता है, मैंने किया ना जो मैं करना चाहता था, अरे इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। और फेल होने के बाद भी मेरे अंदर ये करेज है कि मैं आगे बढ़ता रहूंगा, मैं हार नहीं मान रहा, तो अगर इतनी बुरी सिचुएशन से जब मैं ऊपर उठूंगा तो मैं क्या होऊंगा।